हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रविका फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सीजन आ ही चुका है तो छत पे जो धूप निकली हुई है बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई धूप में क्योंकि मुझे कहीं निकलना था और बस वहीं के लिए रेडी हुई हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने वेदिका को रेडी कर दिया। बड़ी मुश्किल से रेडी हो रही थी वो, क्योंकि उनकी दादी आई हुई हैं तो वो उनका जाने का मन ही नहीं था हमारे साथ, और छोड़ सकते भी नहीं थे क्योंकि वो रहती नहीं है मेरे बिना। तो यहाँ पर वेदिका को तैयार करने के बाद बस शूज़ पहनाने के लिए रह गए, तो उसके लिए भी उनका ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। बस इधर से उधर, उधर से उधर घूमने में लगी हुई है। फ्रेंड्स, पहले हम लोगों का प्लान ट्रेन से जाने का था, लेकिन ट्रेन सुबह सुबह ही जाती है कोई 8 बजे ही, इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल करके फिर हम लोगों ने बाइक से ही जाना सही समझा। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें एडजस्ट कर रहे हैं बैग में, क्योंकि मैं बाइक से जाती हूँ तो फिर बस बेदी को ही देख पाती हूँ। कुछ चीज़ें मतलब पकड़ के नहीं बैठना आता मुझे सही से बाइक पे, तो बस वही चीज़ एडजस्ट करके वो बैग को आगे रख लेंगे तो मुझे नहीं पकड़ना पड़ेगा। और वेदिका यहाँ पे जिद करे हुई है, चलो जल्दी, बस इसीलिए आगे पीछे घूम रही हैं, कहीं डैडी से बोल रही हैं, कहीं मुझसे बोल रही हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जा रही हूँ अपनी छोटी ननद जी के यहाँ पे, जो हमारे रक्षाबंधन के ब्लॉग में आई हुई थी। वही ननद जी हमारी छोटी वाली, उनके देवर देवरानी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। वैसे हमारी दीदी की ससुराल यूपी में है और सभी ननदों की ससुराल यूपी में ही है और हम लोग MP में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता ही पड़ता है, इसलिए हम लोग बाइक से ही निकल गए और बड़े आराम से पहुँच भी गए थे। वैसे मेरे ख्याल से तो बाइक से जाना सही रहता है अगर 1 घंटे 2 घंटे का रास्ता है तो, क्योंकि ट्रेन से जाओ फिर ऑटो रिक्शा वगैरह लेते फिरो और बस भी चेंज करनी पड़ती है। बस से गए तो 2 बसें चेंज करनी पड़ेंगी, इसलिए हम लोग बाइक से चले गए और बड़े आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस वेदिका थोड़ा सो जाती है तो उसकी प्रॉब्लम होती है, चलो कोई नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ते का व्यू कितना प्यारा है, पूरा का पूरा वेहड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं रास्ते में, चंबल है, क्वारी और यमुना, तीनों जहाँ पे नदियाँ होती हैं वेहड़ तो होता ही यहाँ पे। और ये चंबल का वेहड़ तो काफ़ी जाना माना है, बहुत प्रसिद्ध है ये डकैतों के लिए। यहाँ पे पहले बहुत डकैत रहते थे, अभी भी रहते हो तो पता नहीं। ये मैंने एक क्लिप चलती हुई बाइक पे ही बनाई थी, तो हाथों से जैसे मैंने बहुत तेज अच्छे से फ़ोन पकड़ा हुआ था, फिर भी फ़ोन इतना हिल रहा था क्योंकि बहुत तेज़ हवा लग रही थी, और जब बाइक चलती है तो हवा और तेज़ लगती है। फिर मैंने जल्दी से उसको रख लिया क्योंकि मुझसे नहीं बन रहा था बनाते हुए। ये है फ्रेंड्स हमारे यहाँ के वेहड़ की शान, चंबल नदी, और इसका वीडियो मैंने पुल पे खड़े होके ही बनाया था क्योंकि चलती बाइक से मुझसे नहीं बन रहा था। और बस मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट खड़ी हुई थी क्योंकि मैं पुल पे भी खड़ी हुई तो कहीं कोई गाड़ी या वाहन निकल रहा तो पुल थोड़ा ऐसा हिल सा रहा था, तो मुझे बड़ा डर लग रहा। वैसे भी मुझे पानी से, गहराई से और ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं ज़्यादा देर टिकी नहीं वहाँ पे, 2 मिनट से ज़्यादा, और उसके बाद बस हम लोग निकल गए। फ्रेंड्स, बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।